जिसकी इच्छा हमेशा होती है कि उसके उसके बेटे की मूछ जो है वो हमेशा ऊपर रहे, वो नीचे ना आए। एक बेटा भी यही चाहता कि उसके पिता की मूछ ना झुकने पाए, और वो पिता अपने मृत बेटे की मूछ को ताव दे रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीर, जब अपनी पग, सम्मान जो है ना वो दस्तार में होता है, पगड़ी में होता है, पग में होता है, और जो प्यार लोग दिखा रहे हैं, उनका बेटा तो नहीं है लेकिन पूरा मूसा गांव, पंजाब के लोग जो परिवार के साथ खड़े हैं, तो फिर उससे कीमती ये पग नहीं। और इसीलिए मूसेवाला के पिता ने अपनी पगड़ी उतार दी, लोगों के सामने हाथ फैलाए कि इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इस अवस्था में कुछ बोला नहीं जा सकता। ये भावनाएं हैं जो आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं बयां करती हैं, लेकिन शब्द इस मौके के लिए नहीं हो सकते। बहुत कठिन अवसर है उस परिवार के लिए। अमित भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो से हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। अमित, एक ऐसा बेटा गया है पंजाब का, और खासतौर से परिवार का, जो हम दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तो पिता मूछों पर ताव दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की, और दूसरा वो अपनी पग उतार दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मान प्रतिष्ठा सम्मान इसी में बसती है, और लोगों के सामने उन्होंने अपनी पग उतार दी। बिल्कुल, बहुत हाई इमोशंस है। आपको मैं बता दूं कि देखिए दो तस्वीरें जो हम उठा रहे हैं, एक तस्वीर है बच्चे के जाने का, वो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, वो कोई भी, वो सिर्फ परिवार के लिए ही जेल से चाहने वाले। आप सभी से देखते आए हैं कि परिवार को प्यार करता है, लेकिन चाहने वाले हद से ज्यादा प्यार करते हैं, हद से ज्यादा गुजर जाते हैं। और आप देखिए कि ये जो गांव में मैं जैसे आपको चीजें शेयर कर रहा था, और वो सारी चीजें जो है वो निकल के लोग जो बोल रहे हैं आके, लोगों की जो इमोशंस हैं, आप देखिए कि रोते हुए एक शख्स ने हमें बात की, उसका सिर्फ इंसानियत का लेना देना था। वो सिद्धू के घर जरूर जाते थे, लेकिन इंसानियत का लेना देना था उसी गाँव के सिद्धू मूसेवाला के। तो इससे हाई इमोशंस है, मतलब आप देखिए कि आप भी, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे भी इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, और आप देखिए कितना हुजूम है, और इन सब लोगों को गुस्सा है, इन सब लोगों को गुस्सा है सिस्टम पर, इन सब लोगों को गुस्सा है सरकारों पर, इन सब लोगों को गुस्सा है प्रशासन पर, इन सब लोगों को गुस्सा है पुलिस पर, कि किस तरह की, जब बकायदा जो है वो सारी चीजों की जानकारी होने के बावजूद आप सुरक्षित नहीं रख सकते अपने प्रदेश को, अपने अपने क्षेत्र को। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी रुकना नहीं चाह रहा, आई विद इमोशन, कोई पेड़ों पे चढ़ा है, कोई ट्रॉलियों पे चढ़ा है, कोई जो है वो बिल्कुल जाम उठा दी नहीं, उसके पास खड़ा है, ट्रैक्टर्स में लोग आए हुए हैं, और हर तरफ आपको यही नजारा दिखाई देगा, और हर तरफ आपको लोगों की, और इस पे केवल पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, और हर एक शख्स से हम बात करें तो कहते हैं कि मेरा भी बेटा था, वो जो सिद्धू मूसेवाला था वो मेरा भी बेटा था, और यही यही इमोशंस होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इतनी भीड़ शायद नेता भी इकट्ठे नहीं कर पाते होंगे, जो इस शख्स ने अपने अपने कर्मों से की, अपने प्यार से की, और क्या कर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग पेड़ों पर चढ़े हैं, लोग कुछ भी करने को तैयार है, बस आखिरी जो है उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शनों के लिए जब वो पंच तत्वों में विलीन होंगे तो उनके दर्शनों के लिए जो है बस वो आखिरी भीड़ धक्का सब कुछ हो रहा है, लेकिन इमोशन देख है कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ कब मिलेगा, सिद्धू मूसेवाला के साथ ये हुआ ही क्यों,